आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लंबे अरसे के बाद झारखंड विधानसभा में डिबेट का उम्दा स्तर दिखा। राजनीति की नई पौध विधायक कुणाल और अमित मंडल में बहुत जान है। मौका मिला तो दोनों युवाओं ने अपने भाषण से सबको चौंकाया। याद आ गया कॉमरेड महेंद्र सिंह का जमाना। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा की युवा पौध की। चतुर्थ विधानसभा का आखिरी बजट सत्र चल रहा है। लगभग ढाई वर्षों के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल रही है। सोमवार को लंबे अरसे के बाद विधानसभा में डिबेट का उम्दा स्तर देखने को मिला। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान झामुमो विधायक कुणाल सारंगी और भाजपा विधायक अमित मंडल ने अपने भाषण से सबको चौंका दिया। झारखंड विधानसभा की राजनीति की नई पौध कुणाल सारंगी ने जहां सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं अमित मंडल भी काफी वजनदार रहे। पेश है आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन की रिपोर्ट। झारखंड में पहली बार रघुवर दास के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनी। स्थायी सरकार तो बनी, मगर विधानसभा लगातार पक्ष विपक्ष का अखाड़ा बनकर रह गया था। चार वर्षों में एक भी सत्र सही तरीके से नहीं चला, लिहाजा झारखंड विधानसभा में आई नई पौध को अभी भी अपना वाक कौशल दिखाने का मौका नहीं मिला। ढाई वर्षों के बाद पहली बार सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सोमवार को सदन में चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी। स्पीकर की तरफ से पहले भाजपा विधायक अमित मंडल को बोलने का मौका मिला। जिस तरीके से अमित मंडल ने बिना कोई आरोप प्रत्यारोप किए अपनी बातों को पूरे सलीके के साथ सदन में रखा, ऐसा बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो जाहिर तौर पर वो सरकार की योजनाओं को ही सदन में रखेंगे। अमित मंडल ने भी यही काम किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अमित मंडल ने एक बार भी विपक्ष पर प्रहार नहीं किया, न ही अन्य विधायकों की तरह सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बातों को उठाया। एक युवा विजन को उन्होंने सदन में रखा। अमूमन ये देखा जाता है कि विधायकों की बातें सिर्फ पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत संरचना के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, लेकिन अमित मंडल ने आज के भारत को क्या चाहिए और सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, वो इस दिशा में क्या काम कर रही है, उसको वजनदार तरीके से सदन में रखा। इतना ही नहीं, जो समस्या वर्षों से हमारे समाज को घुन की तरह खोखली कर रही है, उसका निदान कैसे किया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। मामला चाहे भ्रूण हत्या का हो, महिला सशक्तिकरण का हो या फिर कुपोषण का, अमित मंडल ने सभी विषयों पर एक जानकार की तरह अपनी बातों को सदन में रखा। अमित मंडल की बात जैसे ही समाप्त हुई, स्पीकर ने झामुमो विधायक कुणाल सारंगी को बोलने के लिए आमंत्रित किया। कुणाल ने तो मानो अपने भाषण से सदन में जान ला दी। एक एक विषय पर एक मंझे हुए राजनेता की तरह उन्होंने अपनी बातों को सदन में रखा। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के कुणाल ने सरकार की योजनाओं की विवेचना की, कहां क्या कमी है इसको सलीके से रखा। मामला चाहे स्कूल विलय का हो, सरकारी शराब दुकानों की बंदोबस्ती का हो या फिर महिला सशक्तिकरण, कुपोषण का, सभी विषयों पर उन्होंने अपने वक्तव्य से सदन को अचंभित कर दिया। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। दोनों ही युवा विधायकों को राजनीति विरासत में मिली है। अमित मंडल भी राजनीतिक परिवार से ही आते हैं और कुणाल सारंगी भी राजनीतिक परिवार से ही। दोनों के पिता झारखंड विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। अमित मंडल के दादा ने तो बिहार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। प्रखर वक्ता की तरह दोनों विधायकों ने अपनी बातों को सदन में रखकर एक तरह से सदन का मान बढ़ाने का काम किया है। एक समय था जब झारखंड विधानसभा में कॉमरेड महेंद्र सिंह के भाषण का लोग इंतजार करते थे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनकी तार्किक शैली के कायल थे।
सोमवार को इन दोनों युवा विधायकों ने अपने भाषण से लंबे अरसे के बाद सदन में बैठे सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका मिला तो दोनों ने ये साबित कर दिया कि अभी भी झारखंड विधानसभा के सदस्यों में बहुत जान है। चतुर्थ विधानसभा में कई ऐसे नए विधायक हैं जिन्हें मौका मिला तो वो साबित कर सकते हैं कि उनके पास भी झारखंड के विकास का विजन है। लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है कि मंत्री बनकर ही विकास के काम किए जा सकते हैं। विधायकों को भी विकास कार्य करने के लिए असीम अधिकार प्राप्त है, खासकर जब सदन चल रहा हो तो वे अपने विकास के विजन को सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रख सकते हैं, जैसा कि कुणाल षडंगी और अमित मंडल ने किया। ये तभी होगा जब जनता की सबसे बड़ी पंचायत में डिबेट हो। इससे पहले कांग्रेस की गीता कोड़ा, भानु प्रताप शाही, भाजपा के बिरंची नारायण, अनंत ओझा ने भी अपनी बातों को सलीके से सदन में रखा और उनकी भी तारीफ हुई थी। इन दोनों विधायकों की वाक्पटुता को सुनकर कहा जा सकता है कि चतुर्थ विधानसभा के लिए सोमवार का दिन चर्चा के लिहाज से सबसे अच्छे दिन के रूप में जाना जाएगा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।